20 रैपिड पेपर फोटोशॉप ओवरले इन पीएनजी फ्री डाउनलोड। जस्ट अपने फोटो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका फ्रेम रेडी है और आपका इफेक्ट रेडी, जैसे अभी आप देख रहे हैं। मतलब ये पीएनजी, आपको कोई बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, कोई मास्क नहीं लगाना, कुछ भी नहीं। जस्ट अपने फोटो के ऊपर इस ओवरले को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इफेक्ट रेडी, जिस मर्जी कलर में चाहिए वो आप ले सकते हैं। इनको आप किसी भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, अभी आपको बता देते हैं। वेलकम बैक इन डीजी पिक। उम्मीद है कि आप दोस्त मजे में होंगे, काम कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो तो बनाऊंगा, बट अभी आप मुझे बता सकते इस स्पेशल वीडियो के अंदर क्या होना चाहिए। मतलब हमारे चैनल के बारे में, जो हमने इतनी ज्यादा स्ट्रगल किया, हमारा 76 प्लस सब्सक्राइबर्स पे मेरा चैनल बैन हुआ, उसके बाद मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया, उस पूरी कहानी के ऊपर आपको चाहिए वीडियो, या कोई स्पेशल वीडियोस चाहिए मतलब फाइल्स के ऊपर, या कोई ऐसा सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कल, आज ही आपने कमेंट्स करना है। थैंक यू। तो ये आपको मिल जाते हैं पीएनजी, बहुत ज्यादा प्यारा और अमेजिंग है, बिल्कुल जबरदस्त है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि जो है वो ये जो इफेक्ट है, मतलब इसके ऊपर जो क्रैक्स है, रैपिड पेपर है, वो एक ही है, सेम एक ही चीज है, जस्ट इसके कलर्स ही चेंज है। आप ये मत समझना कि 20 है तो वो अलग अलग रैपिड है, ठीक है, मतलब अलग अलग रैप हुए हुए हैं। मैं और भी दूंगा आपको, या आपको चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट्स करिएगा, मैं और भी दूंगा आपको, पर अभी आपके लिए फिलहाल ये एक है और उनके कलर चेंज है। तो आपको ये एक भी मिल जाए तो आप खुद से कलर चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको फोटोशॉप में बताने वाला हूँ। किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करते हैं वो आपको खुद देखना है। ओके, तो आपको करना क्या है, अपना पहले नंबर पे फोटो ओपन कर लेना है अपने फोटोशॉप के अंदर लाइक दिस, और यहां से रैपिड पेपर यहां से जस्ट उठाना है और ड्रॉप करना है आपके फ्रेम के ऊपर। तो आप अभी देख सकते हैं, बिल्कुल इजी एंड फंटास्टिक हमारा इफेक्ट, मतलब हमारा फ्रेम यहाँ पर आ चुका है। आप इसको छोटा बड़ा जैसे करना चाहे वो कर सकते हैं, लाइक दिस। अभी आपको वो छोटा इमेज को थोड़ा छोटा करना है, तो आप बैकग्राउंड वाली लेयर को भी रिसाइज कर सकते हैं बाद में, लाइक दिस यहाँ पे, एंड एंटर। बेस्ट, अमेजिंग। तो एक हमारा इफेक्ट ये हो गया, एक मैं और आपको दिखाने वाला हूँ। आपको पता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा उसके बेनिफिट्स दिखाता हूँ, एक्स्ट्रा जो है वो सिर्फ ये नहीं कि जो आपको सबको सामने नजर आ रहा होता है यार इसके पीछे बस इमेज लगनी है, बस वही करते हैं। मैं उसमें से भी एक्स्ट्रा आपको टिप्स देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी भी आपको बताने वाला हूँ इसके लिए यूज आपको। मैं इसके लिए ये इमेज कुछ ले रखी है, जैसे कि लाइक दिस, ये इमेज है, ये पीएनजी में है, ठीक है। तो कुछ इस तरह सा इमेज है, ठीक है। तो मेरा दिल है मैं यहीं पर इसको रखता हूँ, पर इसको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा करने के लिए, जैसे कि लाइक दिस, मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, और इसके बैकग्राउंड में भी एक कलर यूज करते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड कोई भी और है, तो आप बैकग्राउंड कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेड। और ये भी देखिए, यहाँ पर ऊपर वो पीएनजी आया, कोई भी मतलब आप पीएनजी यूज कर रहे हैं, जैसे कि लाइक दिस, यहाँ पर आप यूज कर लेते हैं या यहाँ पर ऐसा कुछ, और बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी दिया, तो आप कोई भी कलर ये आप दे सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं, लाइक दिस, मैं यही दे देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, ये तो एक सिंपल तरीका हो गया जो कि सब करेंगे, ठीक है, बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कोई नहीं बताएगा आपको, वो ये मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको और ज्यादा अच्छा करते हैं, इफेक्टिव करते हैं, थोड़ा सा देखने लायक करते हैं, आई कैची करते हैं। तो आपने करना क्या है, इसको कंट्रोल जे करना है फोटो को, और एक लेयर हम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे, हम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा, ये भी बुरा लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर हमें क्या करना है, इस ऊपर वाली लेयर के ऊपर मास्क अप्लाई करना है। हो गया मास्क अप्लाई, ब्रश सेलेक्ट करना है, यहाँ से ब्लैक कलर करना है। ओके, ब्रश सेलेक्ट हो गया, ब्रश को थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा। अभी हम क्या करते हैं, इसको नीचे से यहाँ से रेस करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो इसके पैर है या ये पूरा है, ये अंदर नीचे अंदर की तरफ रहे और ऊपर की तरफ ये बाहर से रहे, जैसे कि इसका सर है वो और इसके हाथ है वो बाहर रहे, या आप चाहते हैं कि नहीं इसका सर भी अंदर की तरफ ऐसा रहे और सिर्फ हाथ बाहर रहे, तब भी आप कर सकते हैं। तो जस्ट आपको ब्रश ही ऐसे घुमाना है और इफेक्ट रेडी। आप देखते हैं कितना प्यारा और अमेजिंग हो चुका है। तो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, ठीक है, और वो मैंने आपको दोनों बता दिए। आपको बाद में फिर भी करना है तो हम यहाँ से लेयर के ऊपर, लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करके एक्सप्रेस करेंगे कलर व्हाइट, और फिर हम इसको वापस भी ला सकते हैं। तो सिंपल एयर अमेजिंग, कोई लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एंड यही इसी से मिलता जुलता मैं एक और चीज भी आपको दिखा देता हूँ। मैं इमेज कोई और लाता हूँ यहाँ पे, फ्रेम के नीचे रखते हैं फोटो को और रिसाइज करेंगे, बस इतना सा काम है और बहुत ही ज्यादा प्यारा इमेज लगने वाला है आपका। ओके, ये सब भी हो गया, मैं इस इमेज को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं लाता हूँ फाइल, प्लेस लिंक और कटआउट्स लाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कटआउट्स रखे हैं जो मैं आपको बहुत जल्द वीडियो देने वाला हूँ, जूली लिबर्टी का, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, वो सब दे रखे हैं मैंने। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइक दिस, मैं ये इमेज ही ओपन करता हूँ
तो इसके अंदर भी वही इफेक्ट या उस तरह से हमें यूज करने वाले, जैसे अभी मैंने बेबी फोटो के अंदर यूज करके बताया। ऐसे और आपको पीएनजी फ्रेम चाहिए तो पहले आप जाइए हमारे चैनल के ऊपर, यहाँ पर सर्च में लिखिए पीएनजी फ्रेम, एंटर करिए, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी इसी तरह से पीएनजी फ्रेम्स का, बहुत ज्यादा प्यारा और अमेजिंग। यहाँ से आप इजिली एंड फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियोस ये यहाँ पर आपको हम दे रखे हैं, ठीक है। तो जाइए अभी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, नीचे वाले लेयर यहाँ पर सिलेक्ट करके सॉलिड कलर और कोई भी बैकग्राउंड देना है लाइक दिस, और इसको नीचे रखेंगे इस फ्रेम के नीचे, तो ये आ गया कलर पीछे। उसके बाद हमारा फ्रेम हम रखेंगे पहले एक नीचे, मतलब इसके वो अंदर की तरफ जाएगा, और फ्रेम ऊपर, फोटो अब फिर हमें एक ऊपर भी चाहिए, कंट्रोल जे करेंगे, फ्रेम के ऊपर रखेंगे। अभी वही काम करेंगे जो मैंने पहले अप्लाई किया, यहाँ से लेयर मास्क, कलर ब्लैक, ब्रश प्रेस करेंगे, और अभी हम नीचे से इसको हाइड कर देंगे यहाँ से, जस्ट ये देखें अभी हमारा कैसे इफेक्ट ओपन हो रहा है। दिस इज बिफोर, मतलब ऐसा कुछ होगा, और दिस इज आफ्टर। तो इस तरह से क्या होगा, मतलब जैसे क्रैक हो रहे हैं, जैसे पेपर फट रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पेपर खुद से नहीं फट रहा है, ये लोग खुद पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है उसके बाहर निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप चाहते हैं ये चीज़ भी अंदर चले जाए, सिर्फ ये चीज़ बाहर रहे, तब भी आप कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये जबरदस्त और अमेजिंग इफेक्ट लगा होगा। आपको पता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता हूँ, एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, तो एक और भी, इससे भी एक्स्ट्रा एक और चीज़ भी देता हूँ कि आपको मतलब जो भी कलर चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर रेड चाहिए था इस फ्रेम का कलर, बट आपको वो रेड बार बार अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर नहीं लाना है, ठीक है, या कोई और कलर चाहिए, तो आपको करना क्या है, यहीं से सिर्फ एक ही फ्रेम ऐड करके एडजस्टमेंट में जाइए, एचयू सैचुरेशन में जाइए, यस, और यहाँ से पहले ही इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और क्लिपिंग मास्क कर लीजिए, ठीक है, ओके हो गया। और उसके बाद आप जैसे ही इसको रोटेट करेंगे इस स्लाइड को, तो जो आप कलर चाहेंगे वही सेम कलर आप यहाँ पर ला सकते हैं, येलो लाना चाहे, रेड, ग्रीन, सियान, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि ये जो 20 PNG अलग अलग दी हुई है, वो आपको बार बार मतलब जो कलर चाहिए वो सब इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से एडजस्टमेंट करके ही ला सकते हैं। इसका कलर तेज करना चाहे, ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहे, जैसा रखना चाहे वो आप कर सकते हैं, ज़्यादा व्हाइट, ज़्यादा ग्रे, वो सब भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से कुछ कलर्स के अंदर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ रखते हैं, और अभी आप देखें तो बिल्कुल सिंपल और कलर आते जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है कि जबरदस्त और अमेजिंग वीडियो होगा, और भी बहुत ज़्यादा टिप्स है, बट मैं आपको डे बाई डे वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त और अमेजिंग होगा, आप यूज़ करिए और अपने काम को ज़्यादा प्यारा अमेजिंग बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो ये कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप नए आए तो। थैंक यू सो मच।